दौसा जिला परिषद सभागार में बुधवार को ही साधारण सभा की पहली बैठक खासी हंगामेदार रही। जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अव्यवस्थाओं से नाराज भाजपा के जिला परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं अव्यवस्थाओं से नाराज हुए सत्ताधारी दल कांग्रेस के दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा व बांदीकुई विधायक जीआर खटाना भी बैठक छोड़कर चले गए। इसके साथ ही मंत्री ममता भूपेश ने भी नाराजगी जाहिर की। इससे अधिकारी भी सकते में आ गए और दोबारा बैठक बुलाने की बात कह रहे हैं। भाजपा जिला परिषद सदस्य पप्पू जूझा हिड़ा ने कहा कि बैठक सुबह 11 बजे की तय की थी, लेकिन जिला प्रमुख व अन्य नेता काफ़ी देरी से पहुंचे। सदस्यों के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इसके साथ ही बोलने के लिए माइक खराब था। ऐसे में आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ खाना पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा था। जनता के मुद्दों से भागना कांग्रेस के नेताओं की पुरानी फितरत रही है, लेकिन अब इनकी तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। जन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर हम विरोध करेंगे। भाजपा से जिला प्रमुख प्रत्याशी रही नीलम गुर्जर ने कहा कि जिला परिषद की पहली बैठक होनी थी, लेकिन शायद कांग्रेस के नेता और जिला प्रमुख जनता की समस्याओं व मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। पहले तो कांग्रेस नेता और जिला प्रमुख 45 मिनट देरी से पहुंचे और बैठक में अव्यवस्था होने के कारण भाजपा के सभी सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया है। शायद कांग्रेस ने जिला परिषद को पिछले 10 वर्षों से नाती का बाड़ा समझ रखा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। वहीं भाजपा के सदस्य हरदेव गुर्जर समेत अन्य जिला परिषद सदस्यों ने भी कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। जिला परिषद की हमारी जनरल सभा की ये फर्स्ट मीटिंग थी और इसके लिए विधिवत रूप से मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक गलती है, सही तैयारी नहीं करी, नए माइक की व्यवस्था थी नहीं और व्यवस्था थी, तो हमने उसमें तय कर लिया कि ये मीटिंग को दोबारा बुलाया जाए। बैठक का जो समय था वो 11 बजे था और जो निश्चित होता है ये साधारण सभा की पहली बैठक थी और इन्होंने ऐसे इंप्रेशन जो डाला है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहाँ पे हम लोग आकर के बैठ गए और कोई भी ना तो जिला प्रमुख पधारे ना एमएलए साहब पधारे, पहले बात तो वो देरी से पधारे, उसके बाद भी जब वो लोग वहाँ आए तो बोलने के लिए जब अधिकारीगण खड़े हुए पूरे सदन में वहाँ आवाज नहीं जा रही है, कोई माइक व्यवस्था नहीं है, विधायक जी खुद खड़े होकर के बोलते हैं मीटिंग निरस्त करते हैं। हम सभी भाजपा के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सबने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है।